और वैसे भी जीजा मेरा काम तो घर से दूर रहकर भी जारी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि आखिर शेफाली खुशाल को घर से बाहर निकालने में कामयाब कैसे हुई। मैंने भी सोचा और तब जाना कि अगर हम लोगों के बीच में फूट हो जैसे मेरे और युवराज बेटे के बीच में है तो ये मुमकिन है। खुशाल, अब हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि शेफाली आखिर चाहती क्या है। जीजा, इसके लिए शेफाली पर 24 घंटे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो भी ऐसे कि उसे पता ना चले कि कोई उसका ध्यान रख रहा है। और इसके लिए एक प्यादा है मेरे पास। जा, मैंने जो मोहरा ढूंढा है वो आज ही से अपना काम शुरू कर देगा। तुम्हारा ये मोहरा तुम्हारे कितने काम आएगा ये अब जान लेना बहुत जरूरी है। चिंता मत करो जीजा, बहुत तेज नजर है उसकी, और अब तो मैं भी उस घर में जल्द से जल्द वापस आना चाहता हूँ, और उसके लिए शेफवाड़ी के खिलाफ ऐसा प्रूफ ढूंढना है मुझे कि खुद बैना मुझे खुशी से अपने घर वापस लाए। वैसे सच बताऊं, होटल का खाना खाते खाते तो मैं भी बोर हो गया हूं। चलो जीजा, कहां युवराज की गलतफहमी भी तो दूर करनी है ना। हाँ, वो कम हो जाएगा। हाँ, उसी हिसाब से किया मैंने। ठीक है। हाँ, कोई ये क्या चाहिए जी, अगर कुछ काम है तो मुझे बुला लिया करो। सूरज, तू कहाँ हमेशा मेरे पास रहेगा? क्यों नहीं रहूंगा मैं आपके पास, इसलिए तो मैं यहीं बैठकर काम करता हूँ। इसलिए तुम ऑफिस में नहीं मिले तो सोचा घर पर जाकर मिला। कौन है सूरज बेटा? नमस्ते चाय जी। चाय जी, ये युवराज के मामा जी हैं। ये क्या सूरज, सिर्फ युवराज का मामा? अरे भाई, मैं तुम्हारा भी मामा हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। आइए बैठिए, बैठिए ना जी। सूरज बेटा, मैं इनके लिए चाय लाती हूँ। आइए चाय जी, बैठिए। पहली बार चाय जी की खबर लेने आया। चाय जी की खबर लेने के लिए आपने हेरिटेज हाउस से यहां तक आने की तकलीफ क्यों की? अगर खबर ही लेनी थी तो मुझे फोन कर दिया होता, मैं चाय जी को लेकर वहां पहुंच जाता। सूरज, कम से कम तुम तो मुझे गैर ना समझो। युवराज ने मुझे गैर समझा और मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे हेरिटेज हाउस छोड़ा पड़ा। आपने हेरिटेज हाउस छोड़ दिया? हाँ सूरज, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि समझाओ युवराज को, क्योंकि हम तीनों को जेल की सलाखों के पीछे डालने वाला वो शितलवाड़ दरअसल युवराज की पत्नी शेफाली के लिए काम कर रहा है, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि युवराज तुम्हारी बात नहीं डालेगा। इसका मतलब इस सबके पीछे शेफाली का हाथ है? देखो भाई, मैं कोई दावा करना नहीं चाहता जब तक मुझे कोई प्रूफ ना मिल जाए। बेटा चाय। आइए चाय जी, आइए जी। बैठे जी। काफी दिनों बाद घर की चाय पी रहा हूं मैं। वैसे सूरज, युवराज को समझाना।
लेकिन अगर तुम वहां मेरे साथ जाओगी तो सब लोग जान जाएंगे कि तुमने इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया। इसे कहते हैं सही वक्त पे पहुंचना। शिफाली भी आ गई। शेफाली तुम वहीं रहना क्योंकि यहाँ सामने ही सूरज की फैक्ट्री है और अगर किसी ने देख लिया तो मैं तुम्हें 5 मिनट में फोन करता हूँ। ओके ओके अरे पर ये गाड़ी से बाहर क्यों नहीं निकल रही? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सूरज की फैक्ट्री में से की होगी किसी ने। तुम ठीक तो हो ना शिवाली? तुम जाओ ना, तुम घर जाओ। देखो बात सुनो, ये फोटोएं देख के तो मामा जी मुझे माला माल कर देंगे। कर जाओ। ये कौन लोग हैं? अर्जुन बहुत मजे हैं तेरे तो। एक तरफ भूमिका रानी और दूसरी तरफ शेफाली भाभी। भाया तू इतना जल्दी मेरा काम कर देगा मैंने कभी सोचा नहीं था। आपका हुक्म सर, आंखों पर मामा जी। अच्छा सुनो, तुम्हें एक और काम करना है मेरे लिए। इस कवर को युवराज तक पहुंचाना है हमारे ऑफिस एड्रेस पर। अभी जाकर ये कवर देकर आ। वैसे वजह संग मेरे दिमाग का फितूर एकदम सही चल रहा है। देखा तुम्हें जेल से छुड़वाया, कितने काम के निकले तुम। वैसे मामा जी मेरा नाम वजह से नहीं, सतपाल चौधरी है। सतपाल क्या है भाणजे, सॉरी वजह संग आदत पड़ गई है ना। जाओ जाओ शेफाली गोयंका, अब तुम्हारी असलियत बाहर आएगी इस सतपाल उर्फ वजह संघ के कारण। जीजा कुशा, मैंने उस फोटोग्राफ्स को भेज दिए हैं युवराज के पास। अब आप भी पहुंच जाओ युवराज से मिलने। अब तो कन्हैया भी नहीं बचा पाएगा शेफाली को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।